हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नया दिन, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल बस स्टैंड से आ रहे हैं घूम के, अब शिव मंदिर जाएंगे। मंदिर पहुंचने पर अब आपको मिलेंगे, ठीक है। ड्राइव कर रहा हूँ ना तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ऐसे ड्राइव करते समय कभी वीडियो बनाना भी नहीं, मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, आप लोग मजबूरी में भी मत बनाना, ठीक है। चलो अब सीधा मंदिर जाके मिलते हैं गाइस, ओके। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि मंदिर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाया, बाहर से ही बना पाया। और गाइस, मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। अभी मैं मौसम ख़राब होने की बात कर ही रहा था कि उतने में ही बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बारिश है, घर को निकलते हैं, थोड़ा बहुत भीगते हुए घर पहुँच जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं घर जाने के बारे में अभी सोच ही रहा था कि इतनी मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई, सावन के आखिरी सोमवार इतनी तेज बारिश, जय मेरे भोलेनाथ, आपकी लीला। कुछ देर बाद जब बारिश रुक गई तो मैंने सोचा चलो अब घर की तरफ चलते हैं, निकलते हैं आराम से। लेकिन भोलेनाथ आज कहाँ जल्दी जाने दे रहे थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमें ये मिले, जब ये मिला तो थोड़ा टाइम इसके साथ निकल गया। ये मुझे बोल रहा था भैया वीडियो में ना मेरी वॉइस मत डालना, मुझे वॉइस बहुत ख़राब लगती है वीडियो में अपनी। क्या बात है यार, खुद की आवाज़ ना पसंद। कम से कम 20-25 मिनट बारिश पड़ने के बाद अब रुक चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ मंदिर से। तो रास्ते में देखेंगे कि कितना पानी खड़ा है, बहुत पानी खड़ा होगा ये तो मेरे को पक्का पता है, लेकिन कितना खड़ा है ये देखना है, दिखाऊंगा आपको भी। लो जी, जैसे कि आप फिलहाल देख ही सकते हो कि पानी यहाँ पे ही लेवल शुरू हो गया है, पानी बहुत भरता है यार इस तरफ। बारिश चाहे थोड़ी सी हो, आज तो थोड़ी ज़्यादा हुई है, पानी बहुत भरता है इधर, बहुत ज़्यादा। बारिश के पानी को क्रॉस करते हुए फिलहाल हम घर पहुँच गए हैं। रास्ते में और भी ब्लॉगिंग कर सकता था, वीडियो बना सकता था, लेकिन वन हैंडेड ना बाइक राइड नहीं हुई थी बिल्कुल भी, एक्टिवा वन हैंड से स्लिप कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। अकेला था, कोई और होता तो उसको बोल देता बनाने के लिए। ये देखिए फिलहाल पानी शायद आपको दिखेगा, ये गली में पानी चला, गली नहर बन चुकी है, इतना पानी खड़ा हो गया। और ये केले जहर बन चुके हैं, इतना काला हो गया है। और सब बढ़िया, आपके शहर में आज बारिश हुई कि नहीं हुई बताइए। अब तो चाय पीने का मन हो रहा है, मम्मी पता नहीं कहाँ पर हैं, सो रहे हैं मम्मी अभी। मुझे तो चाय पीने का मन हो रहा है बहुत बुरा। थोड़ी देर तक मिलते हैं। ये देखो ये लोग भी बारिश का मज़ा पूरा लेते हैं। ये देखो ये भी भाई साहब आज नहा लिए हैं, क्या बात है, क्या बात है, अकड़ कम नहीं हो रही जनाब की, आज नहाए हैं, सीधा कैमरे में देखा इसने। हेलो, देखो कैसे दिख रहा है, क्या बात है। अब ये यहाँ पे आके बैठ गया, देखो मी में नहा लिया, अब ये सोएगा मज़े से, क्या बात है, भगवान भी ना सबका सोचता है। बारिश फिलहाल बिल्कुल बंद हो चुकी है और धूप देखिए एकदम तीखी धूप, और मम्मी जी बना रही हैं खाना, अब खाएंगे हम खाना क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। मम्मी खाना बना के आते हैं, अभी देखते हैं क्या बना रहा है। जब तक मम्मी खाना बना के अंदर लेके आते हैं कमरे में, तब तक हम ये कपड़ा बिछा लेते हैं, ये खाना खाते वक्त बिछाते हैं ताकि खाना चद्दर पे ना गिरे। बच्चे हैं ना, मम्मी की नज़र में वो तो हमेशा ही रहेंगे। फटाफट मम्मी के आने से पहले ही ये बिछा देता हूँ। तो जी खाना खा के अब हम हो गए हैं फ्री। मैं बाहर निकला था इनकी आवाज़ सुन के, ये देखो ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। अब बोलो बोलो, अब एक मैना है और एक कबूतर और एक ये हमारा शिकारी, ये देखो है। हाय बोल, चुम्मी ने हल्ली नहीं क्या, हाय बोलने नहीं क्या। ओके माता जी, मैं हिमांशु के साथ होके आया, ठीक है। खाना आप खा लेना प्रॉपर, मैंने खा लिया है, ठीक है, आपको कॉल कर दूंगा। ओके टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हिमांशु मुझे घुमाने लेके आया अपने नए प्लॉट में, जहाँ पे वो अपना नया घर बना रहे हैं।
ये देखिए, आप भी देखिए, अभी काम सिर्फ शुरू ही हुआ है, तो खाना वगैरह खाने के बाद कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। टाइम देखा तो 4 बजने वाले थे, फिर मैंने जिमी के लिए खाना तैयार किया, समझे 4 बजे खाना होता है, आज लेट हो गया उसका खाना भी। उठने के बाद एक तो प्यास बहुत लगती है यार, पता नहीं क्या भागम भाग चलती है सपने में, ये उठते ही ना पानी पीने की चुल मचती है कि पानी पी लूँ बस। एक मिनट, पानी पानी है भाई, कोका कोला लिमका चिमका सब ठंडे में, पानी पानी। हाँ भाई, करवा रहा है सफाई अपनी। ओए जिमी भाऊ इधर देख, ऐ देख मेरी तरफ। हाँ अब तो तू देखेगा नहीं कैमरे की तरफ, है ना, बेइज्जती होती है तेरी कि जिमी साफ सफाई करवाता है। क्या क्या अब कर रहे? देखो देखो इसको, इसके कान वाल पलटा के देखो सारे। तो मम्मी ने मुझे बोल दिया चाय बनाने के लिए, और मम्मी के लिए बनाने जा रहा हूँ चाय, और अपने लिए भी कुछ पीने के लिए बनाऊंगा कॉफी या दूध, है ना। आज का दिन दोपहर को सो के यार पता ही नहीं कैसे निकल गया, दोपहर को सो गया था थोड़ी देर के लिए, पता नहीं चला कब निकल गया। जिमी की रोटी भी लेट हो गई और बस ऐसे ही टाइम निकल गया, पता नहीं चला। अभी वीडियो भी एडिट करनी है, तो आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।